हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोग को तो मेरे थंबनेल से आप लोग को आइडिया ही लग गया होगा कि आज का ब्लॉग मेरा किस चीज़ पर बनने वाला है। तो आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे ब्लॉग पर अभी तक जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा कि अपने ब्लॉग में मैंने 2-3 बार में बता चुका हूँ कि घर पे मेरे शादी पड़ी हुई है, तो खरीदारी बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। तो इधर बीच मेरे घर पे जो शादी पड़ी हुई है वो शादी नज़दीक में आ चुकी है। हमारी देवी जी कई दिन से कह रही थी साड़ी खरीदने के लिए, मगर हमें समय ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज देखिए, आज भी अंततः नहीं हम जा पा रहे थे, तो वो नाराज़ हो गई है। उसी उपलक्ष्य में देखिए घर में खाना भी नहीं बना पाई है, तो उनको मनाने के लिए इनको बोले हैं कि चलिए आपको मैं साड़ी खरीदवा देता हूँ। चलिए देखिए, नाराज़ होकर बैठी हुई है। आप ही लोग कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि ये मान जाए। दोस्तों देखिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं इनको मनाने के लिए कि चलिए आपको साड़ी खरीदवा देते हैं। देखिए खीस में बैठी हुई हैं, ये देखिए, ये आप लोग ही शायद कुछ कहिए तो लोग ये मान जाएंगी। हाँ, ब्लॉग बन रहा है, चलो चलो, नाराज मत हो, देखो। देखिए, साड़ी नहीं खरीद रहे हैं, करें नहीं, साड़ी नहीं खरीदेंगे। बताइए, शादी पड़ा है घर में, साड़ी नहीं खरीदेंगे? आए आप लोग बताइए कमेंट करके इनको, आए करें साड़ी। अभी खरीदी हो ना, तो साड़ी कितना अच्छा अच्छा खरीदाए अच्छा चलो तैयार हो जाओ, चलो तैयार हो आए जाओ। करें। अभी मंगाई हो ना फ्लिपकार्ट से, आए अभी तीज में ली हो तो ऐसे वैसे जुड़वा रहे हैं। करें नहीं, साड़ी नहीं खरीदाएगा तुम्हारे लिए, बच्चों को खाली कपड़ा खरीदा जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं, इसीलिए हम नाराज हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाइए जाइए जाइए, हम खरीदवा दे रहे हैं, तभी हमको खाना भी मिलेगा। खाना भी तो नहीं मिला है अभी दोस्तों, अभी हमें खाना भी नहीं मिला हुआ है। आप ही लोग कम से कम रिक्वेस्ट कर दीजिए इनको, कमेंट में ज़रूर से लिख कर भेज दीजिए कि जा रहे हैं भैया खरीदवाने के लिए, प्लीज़ आप चल जाइए। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ, जीवो करो, जल्दी जाओ, जा रहे हैं। जा रही हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों देखिए तैयार होकर आ गई हैं, देखिए आप लोग के रिक्वेस्ट पर देखिए तैयार होकर आ गई। अब हम फाइनली हम लोग दोस्तों चल रहे हैं बाजार, हम जा रहे हैं, देवी जी हमारी जा रही हैं और डुगू जा रहा है। कमेंट करके इनको समझा दीजिए, साड़ी कर रहे नहीं खरीदने के चले लिए दोस्तों, अब हम लोग बाजार में आए। निकल रहे हैं, वहाँ पर भी दिखलाएंगे कौन सी साड़ी, देख कर लेते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट में जरूर बतलाइएगा साड़ी देखने के पश्चात कि कैसा साड़ी हम लोग लिए हैं। चलिए घर में दोस्तों, तो अब साड़ी हम लोग मिलते हैं मार्केट में। देखिए हम लोग आ गए रामदास गुप्ता एक्सक्लूसिव शोरूम में, चलिए अब हम लोग अंदर मिलते हैं साड़ी देखने के लिए। फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग दुकान पे आ गए हैं साड़ी परचेज करने के लिए। दिखा रहे हैं, पहले देखिए पसंद मंगवाया है, देखिए ये वाला रेड कलर है, अच्छी लग रही है, अपनी साड़ी लगाओ दे देंगे हम डिजाइन। ये सब तो चल आज कल दीजिए, सब चीज़ में और भी साड़ी देख रहे हैं, ये भी साड़ी देख रहे हैं लोग, ये भी देख रहे हैं हम लोग। इतना साड़ी हम लोग देख चुके हैं, अभी कोई पसंद आया नहीं है। कौन वाली? यही वाली एक तो देखिए, हमारा साड़ी देखिए निकल रहा है, यही वाली एक तो साड़ी पसंद आ रही है जो भैया देखिए चपोत रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को तो अपना साड़ी हम निकला दिए, देखिए कैसा लगेगा बताइएगा। दोस्तों देखिए हम लोग साड़ी ले चुके हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, साड़ी परचेज हो चुका है। देखिए देवी जी हमारी घर के लिए, ये देखिए पौधान भी खरीद रही हैं। घर के लिए पौधान खरीद रही हैं,
क्या डाली है? 100 रुपये में 3 ये रामदास गुप्ता एक्सक्लूसिव शोरूम में आए हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा रेट वाजिब मिलता है, होलसेल का रेट लगता है, इसलिए हम लोग तो यहीं पर आते हैं। देखिए यहाँ पर सूटकेस और सब मिलता है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, हम लोग साड़ी भी ले लिए हैं और पौधान भी ले लिए हैं। 100 रुपये में 3 पौधान मिला है यहाँ पर रामदास गुप्ता एक्सक्लूसिव शोरूम में। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग मार्केट से होकर चले आए हैं। देखिए अब देखिए चेहरे पर मुस्कान इनके आ गया है। अब हमको लगता है दोस्तों कि भोजन मिलेगा। अब तक तो भोजन नहीं मिला था, अब लगता है हमको भोजन मिलेगा। अब साड़ी खरीदा गया है ना, बताइए आप लोग कह रहे हैं साड़ी नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे शादी में साड़ी नहीं खरीदेंगे तो कैसे क्या होगा, बताइए आप लोग समझाइए कमेंट करके इनको थोड़ा। चलिए ठीक है, हम खुश हो चुके हैं साड़ी लेकर। बाय बाय। चलिए दोस्तों ये तो खुश हो गई है, आप लोग खुश हुए कि नहीं खुश हुए हमारे ब्लॉग से? अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।